हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है अज दी क्लास। अज आपां करन जा रहे हां पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी 8वीं क्लास दी गणित मैथ्स दी किताब ते उहदा दूजा चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अज इस चैप्टर दे विच आपां डिस्कस करांगे एक्सरसाइज 2.2, पर उहदे विच जिहड़े चीज़ां सानू यूज होणियां ने उह आपां पहलां ही डिस्कस कर लैंदे हां। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 5 ਟਾਈਮਸ ਅਨਦਰ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਨੰਬਰ x ਹੈ, ਦੂਜਾ 5 ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 5x। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ If 21 is added to both the numbers, दोना numbers दे विच 21 add कर दो, करता जी, then larger number की मैं कह सकती है 5 गुना सी इस दा, ते उदे बाद 21 add कीता सी, ते ए larger number है, ते ए वाला जेड़ा है गया, ए smaller है, larger number becomes की दा twice the shorter number, ए दा 2 गुना कर दो, ताँ ए larger number आ जान्दा। क्योंकि इतने कहा गया लार्जर नंबर 2 गुना हो जाता है, इसलिए बराबर करने लिए अपा इस शॉर्टर नंबर या स्मॉलर नंबर नू 2 नाल गुणा कर देंगे, ता ही बराबर होंगे ना, क्योंकि ए ऑटोमैटिकली जब 21 ऐड करते हैं तो ये 2 गुना हो जाता है। पर इक्वेशन नू बराबर रखने लिए असी इतने छोटे वाले नू 2 गुणा कर देंगे। फिर उस तो बाद तुसी इस इक्वेशन नू सॉल्व करोगे। आ देखो 5x + 21 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए छोटा वाला नंबर सॉल्व कीता 5x + 21 इनू मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस का साइन इनू मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू काट लोगे। हुन x की वैल्यू एक नंबर दी आ गई 7, जेड़ा छोटे वाला सी, वड्डे वाला की सी 5x, ए 7 आ गई, ए आ गई 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 35। हुन चेक कर लिए, देखो ये छोटे वाला 7 है तो वड्डे वाला जेड़ा 5 गुणा 7 हैगा, बिल्कुल। जे दोनों पासे आपां 21 ऐड कर देईए, ए 35 दे विच भी 21 ऐड कर देईए, थानू पता 21 दे विच 7 ऐड कीता 28 हो गया, जे आपां 35 दे विच 21 ऐड कीता तां 56 हो गया। ते तुसी देख सकते हो कि जेड़ा 28 हैगा ओह जे तुसी ओनू 2 नाल गुणा कर दे हो तां तुहाडे कोल 56 आ जांदा है कि नहीं। तां जेड़ा वड्डे वाला हैगा ओह ट्वाइस हो गया छोटे वाले दे, यही कहा गया सी। तो बड़े ध्यान नाल ये जिहड़ा 2 हैगा ये मल्टीप्लाई करना है छोटे वाले नाल, क्योंकि ये ऑटोमैटिकली वड्डा जिहड़ा 2 गुणा बन जांदा है। इक्वेशन बराबर करन लई इहनू 2 गुणा करना पैणा, ठीक है, ते दोनों वैल्यूज कढ़नी जरूरी हैगी। अगे कहा गया दूजा एग्जाम्पल, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, एक नंबर हैगा कोई भी 2 डिजिट्स ने उहदे विच, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। 8 ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 1s ਵਾਲਾ ਤੇ 10s ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਆ 2 ਹੈਗੇ ਨੇ, 1s ਹੈਗਾ, ਇਹ 10s ਹੈਗਾ, ਇਹ x ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 8 - x। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਫ 18 ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ ਦ ਨੰਬਰ ਦ ਡਿਜਿਟਸ ਆਰ ਰਿਵਰਸਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ए साढ़े कोल नंबर किमें आएगा, एक डिजिट ए है दूजा डिजिट ए है, नंबर आएगा टेंस वाले नू 10 नाल मल्टीप्लाई करो, वनस वाले नू 1 दे नाल, ए आ गया जी 80 माइनस 10x प्लस x, 80 माइनस 9x, यह आ गया नंबर। उन्होंने नंबर की गल की, नंबर बन जाता है, ठीक है, कल कल जे डिजिट से। हुण उन्होंने कहा भी इस नंबर दे विच जेकर तुसी 18 ऐड कर देंदे हो, ए 18 ऐड करता है इस नंबर दे विच, तां जिहड़े डिजिट्स ने अपनी थां चेंज कर देंदे ने, डिजिट्स चेंज करनगे थां, तां ए 1s ए 10s, यानी इत्थे 8 माइनस एक्स आ जाएगा ते इत्थे आ जाएगा एक्स। हुण नंबर की बनेगा इहदा, टेंस वाले नू 10 नाल मल्टीप्लाई करो प्लस 1s वाले नू 1 नाल, या इदां ही लिख दो, ए हो गया 10x प्लस 8 माइनस एक्स, 9x प्लस 8 आ गया, ए नंबर आ गया। ए जिहड़ा उत्ते वाला सी जो आपां कढ़िया सी उहदे विच 18 ऐड कर दोंगे तां डिजिट्स जिहड़ी अपनी थां बदल लेंगे तां ए नंबर आ जूगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓਗੇ 1s ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ 8 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 10s ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 1s ਹੋ ਗਿਆ x 5, 8 ਮਾਈਨਸ 5 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3, 35, ਜਾਂ ਫਿਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ 80 ਮਾਈਨਸ 9 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 5। ਜਦ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 80 ਮਾਈਨਸ 45 ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 10s ਨੂੰ 10 ਵਾਲੇ ਡਿਜਿਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ 1s ਨੂੰ 1 ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜਿਟਸ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਬੋਜ਼ ਮਦਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਇਜ਼ 6 ਟਾਈਮਸ ਸ਼ੋਬੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਭੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 6 ਗੁਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਦੀ। ਐਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੋਭੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ x ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੋਭੋ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 6 ਗੁਣਾ x, 6 ਟਾਈਮਸ x। ਸ਼ੋਭੋਜ਼ ਏਜ 5 ਇਅਰਸ ਫਰਮ ਨਾਓ ਵਿਲ ਬੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭੋ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ 5 ਸਾਲ ਵਧਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੋਭੋਜ਼ ਏਜ 5 ਇਅਰਸ ਫਰਮ ਨਾਓ, ਆ ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ, ਵਿਲ ਬੀ 1/3 ਆਫ ਹਿਸ ਮਦਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ 1/3, 1/3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ 6x। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 1/3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ, ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/3 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 6x, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ਐਕਸ ਪਲੱਸ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x, ਇਹ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਲਊਂਗੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ, 1/3 1/3 ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ, ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6x। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਅ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸ ਮੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 84 ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 108। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ 84 ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, 108 ਤੋਂ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਐਕਸ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ 84 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ 84 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਘਟਾ ਦਈਏ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ 108 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਆਏਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ 84 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਓਨਾ ਹੀ 108 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਦ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਬੀ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏ ਸੀ ਕਿਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਏ ਟੀ ਕਿਊ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 84 ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, 108 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ 84 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਓਨਾ ਹੀ 108 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਓਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਕਸ, ਏ ਵਾਲਾ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 108, ਏ ਵਾਲਾ 84 ਇੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਐਡ ਕੀਤਾ 192, ਇੱਥੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 96। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, 96 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਘਟਾਏ 12 ਆ ਗਏ, ਤੇ 108 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 96 ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
डिवाइड 84 इनटू टू पार्ट्स, 84 नू दो हिस्सियां विच डिवाइड करना है इन सच अ वे दैट 4/7 ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द अदर। कहंदा मतलब 34 नू दो हिस्सियां विच डिवाइड कर दो, ऐदा ले ला एक एक्स है दूजा किन्ना हो जाएगा 34 विचो एक्स कर दो। हुन इन्हां ने कहा है वी एक पार्ट दा 4/7 हिस्सा, 4/7 ऑफ ए वाला पार्ट बराबर है गए 2/5 इस पार्ट दे। यही है इक्वेशन, हुन ये सॉल्व हो जाएगी। चलो इत्थे लिख दे हां, ऐदा करके लिखना है लेट वन पार्ट एक हिस्सा भी एक्स, एक हिस्सा एक्स है, अदर पार्ट दूजा हिस्सा किन्ना है गए 34 विचो कटा दी एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लिख सकते हो या क्वेश्चन। उन्होंने कहा है एक हिस्से का 4/7 पार्ट इज इक्वल टू 2/5 हिस्सा दूजे का, आपस के बीच बराबर ने। हुण इत्थे ब्रैकेट है, पहला इनू एदे नाल मल्टीप्लाई करना है फिर एदे नाल। ए आ गया 4/7 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 34 माइनस 2/5 एक्स, यही आएगा। हुने आपस विच इहदी कटिंग तां हो नहीं रही, इहनू सॉल्व करदे आ, नाल दी नाल इहनू इधर लै जांदे आ। 4/7 ऑफ एक्स प्लस 2/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 34 नू 2 दे नाल मल्टीप्लाई कीता, ए आ गया 68/5। हुण इहनां नू सॉल्व करना है एलसीएम लैके। एलसीएम जब तुसीं लोगे वो आ जाएगा 35। 35 नू 7 दे नाल डिवाइड कीता 5, 5 नू 4 नाल मल्टीप्लाई कीता 20x प्लस 35 नू 5 नाल डिवाइड कीता 7, 7 नू 2 नाल मल्टीप्लाई कीता 14x इज इक्वल टू 68/5। 20 दे विच ऐड कर दो 14x, वो आ गया 34/35x इज इक्वल टू 68/5। हुण इहनू किवें सॉल्व करदे आ, देखो इत्थे मल्टीप्लीकेशन दा इह, ठीक है, तां इह उत्थे जाके किहदा हो जाऊगा डिवीजन दा, एक्स इज इक्वल टू इदां लिखदा डिवाइडेड बाय 34/35। पिछली एक्सरसाइज़ विच आपां सिखिया सी डिवीजन तो जद सॉल्व करना है मल्टीप्लीकेशन दा साइन लाना है दूजे वाला उल्टा हो जांदा है, ए आ गया। हुण इह देखो इक्को टेबल दे विच चले जाणगे, 5 1s are 5, 5 7s are 35, 34 1s are 34, 34 2s are 68, x दी वैल्यू किन्नी आ गई 14। हुण इत्थे ध्यान नाल देखियो एक पार्ट जेड़ा हैगा 34 दा ओह सी 14, दूजा भी आपां कढ लांगे, दोनों कढने ते इत्थे लिखांगे वन पार्ट किन्ना है 14, अदर पार्ट दूजा किन्ना आ जाएगा 34 विचो 14 कट दो 20 आ गया, यानी 14 ते 20 ये दोनों आंसर हैगे ने, ये गल याद रखियो 34 दे ये दोनों हिस्से हैगे, ठीक है बेटा। हुण आपां अगे चलदे हां, तीजा क्वेश्चन ट्राई करन दी कोशिश करदे हां। फाइंड अ नंबर, एक नंबर आपां लभना है x ले लो, सच दैट व्हेन 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर, फ्रॉम है यानी ए पहला आएगा, 5 टाइम्स द नंबर की हो गया 5x, इहदे विचों 5 घटा दईए द रिजल्ट इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर, 4 ज्यादा हैगा ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस यानी 2x, यही आएगा ना। जे इक्वेशन नु देखिए, देखो एक ता फ्रॉम सी, फ्रॉम दे विच जेड़ा बाद वाली चीज हुंदी है वो पहला आ जांदी है, ओदे विचों 5 घटाते हो किदे बराबर है रिजल्ट 4 मोर देन, 4 ज्यादा हैगा ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस की हो गया 2x, ए इक्वेशन बनदी है। चलो इनु सॉल्व करिए, लेट the number be x, फिर आप लिखांगे according to the question, की कहा गया है असी जो इक्वेशन बनाई सी 5 टाइम्स, पहला तुसी इत्थे भी लिख सकते हो ए तो पहला 5 टाइम्स की हो जूगा 5x, ट्वाइस हो जूगा 2x, ठीक है। हुण आपां कहांगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 2x, इहनू इधर लै जाइए 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 4 प्लस हो जूगा 5, सॉल्व करांगे 5 दे विचों जब 2 गए 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू ए 3 इत्थे डिवाइड हो जूगा
कटिंग होके 3 आ जाएगा। हुण नंबर जेड़ा सी वो साढ़े कोल आ गया, इक्के चीज काटनी सी, नंबर किन्ना है, आंसर आ जाएगा 3। अगे चलिए, चलो चौथा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इथे लिखा गया द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर आर, आर नहीं आएगा, डिफर बाय 3। कहन का मतलब है जे दो डिजिट का नंबर है ए वंस की थाए टेंस की थाए ना, दोनों नु माइनस करिए तो आंसर आ जाता है 3, माइनस करके। तो मैं इदा लिख सकती हूँ भी एक नंबर जे एक्स है एक्स ले लेंगे तो दूजा की हो जाएगा वो 3 ऐड कर दिए, या एक्स प्लस 3 या 3 प्लस एक्स, ये तो पहला हिसाब हो गया। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, हूँ देखो नंबर की बनूगा, यदा ये तो डिजिट्स है नंबर किमें बनाना है, 10 एक्स प्लस 3 नाल प्लस एक्स इनू 1 नाल कर दो, आ गया 10x प्लस 30 प्लस एक्स 11x प्लस 30। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज यानी वंस वाला टेंस की थां ते चला गया ते टेंस वाला वंस की थां ते आ गया, नंबर तुसी बना सकते हो इनू 10 नाल प्लस 1 नंबर बन जूगा। ते उन्हें यह कहा इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल, ते दोनों नंबर जब ऐड कर दिए इनू ते इनू ऐड कर दिए ते आंसर आंदा है 143। ओरिजिनल नंबर ए वाला नंबर आपां काढ़ना है। सिंपल है जी, सॉल्व करते हैं। लेट द डिजिट लिखना है एट वंस प्लेस एक्स ले लो, ए वाली एक्स, टेंस ते की आ जाऊगा, हुण इत्थे उन्होंने कहा है भी डिफरेंस जिहड़ा है माइनस जद करदे आ तां 3 आंदा है, तां ए ले लो एक्स प्लस 3। इत्थे लिखते हैं लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस की हो जाऊगा एक्स प्लस 3, यही होगा ना। हुण आपां नंबर कढ़ना है, नंबर किवें कढ़दे हां, टेंस वाले नूं 10 नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे हां, वंस वाले नूं 1 नाल। इनू जब तुसी सॉल्व करोगे आ जाएगा 10x प्लस 30 प्लस एक्स 11x प्लस 30, यही आएगा सॉल्व करके। हुन उन्हें अगे ये कहा सी इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज यानी अपनी थां बदल लेंगे, वंस वाला टेंस च ते टेंस वाला वंस, ते की बन जाएगी इक्वेशन, इतने ए वंस है ए टेंस है, इतने आ गया एक्स, इतने आ जाऊगा एक्स प्लस 3। तो आप इतने लिखांगे नंबर की बन जूगा साढ़े को 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस एक्स प्लस 3, इदा का इदा एक नाल मल्टीप्लाई किया उही नंबर आ जाता है, ये आ गया जी 10x प्लस एक्स प्लस 3, सॉल्व किया 11x प्लस 3, यही है। हुण उन्होंने कहा भी जब डिजिट्स इंटरचेंज कर जाते हैं, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड रिजल्टिंग नंबर जो नंबर आता है साढ़े को वो ये हैगा, ओनू जे आपां ओरिजिनल दे विच जो आपां पहला बनाया सी उहदे विच ऐड कर दईए तो आंसर आता है 143 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए वाला नंबर प्लस पुराना जिहड़ा बनिया सी ओ की सी 11x प्लस 30 ऐड कर दईए तो आंसर आ जाता है जी साढ़े को 143। सब तो पहला एक्स एक्स वाले नू सॉल्व कर दईए, 11 दे विच 11 ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा 22x प्लस इनू ऐड कर दईए 33 इज इक्वल टू 143, 22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33, 22x इज इक्वल टू 110, ए 22 डिवाइड हो जाएगा 110 बटा 22, कटिंग हो जाएगी 5 आ जाएगा। हुण ध्यान नाल 5 आ गया ते वंस डिजिट आपां की लिया सी 5, स्टार्टिंग दे विच एक्स लिया सी ना, आ देखो वंस डिजिट एक्स है, जेड़ा टेंस डिजिट है वो एक्स प्लस 3 है, इत्थे लिखते हैं टेंस डिजिट एक्स प्लस 3, एक्स किन्ना है 5 प्लस 3, ए हो गया जी 8। ते इत्थे हुण आपां नंबर बनाना है, नंबर की आ गया वंस की थां ते 5 है, टेंस की थां ते 8 है, ए आ गया जी साढ़े को नंबर। तुसी ए भी लिख सकते हो, जेकर तुसी मन लो नंबर दे विच एथे
इनू तुसी जे स्टार्टिंग दे विच x प्लस 3 लिखे है ते इनू x लिखे है ता नंबर उल्टा हो जाएगा। वैसे ये भी सॉल्व किया है जो बिल्कुल ठीक है। पंजवा क्वेश्चन है गया, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी ए वन्स है ए टेन्स है, दोनों नू ऐड करिए ता किन्ना आ जाता है 9। ऐदा ले लिए ए एक्स ले लो वन्स वाला, दूजा की हो जाऊगा 9 माइनस एक्स, 9 दे विचों एक्स कटा दो टेन्स वाला आ जाएगा। ते मैनू पता है, तो बाद तुसी नंबर बना लोगे, अपना बना लोगे। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, यानी थां बदल लेंदे हैं, ये एक्स टेंस दी थां ते चला जांदा है ते 9 माइनस एक्स इत्थे आ जांदा है, जब इंटरचेंज कर दिंदे हैं, बदल दिंदे हैं। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, ये जिहड़ा नवा नंबर थोड़ा बनता है इनू 10 नाल करके, इज ग्रेटर दैन ओरिजिनल बाय 27, ये जिहड़ा नवा नंबर है ये छोटे नालों 27 नंबर ज्यादा वड्डा हैगा, 27 ज्यादा वड्डा हैगा, यानी ये तो ऑलरेडी वड्डा है, तो 27 आपां नूं इहदे छोटे वाले विच ऐड करने पैणगे ना ताकि ये बराबर हो जाण। ये तो वड्डा हो ही गया, पर इक्वेशन बराबर करन दे लई आपां नूं दूजे पासे 27 ऐड करने पैणगे ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वड्डा हो गया। ये कहा गया है वी ग्रेटर दैन ओरिजिनल बाय 27, कहने का मतलब छोटे वाले 27 ऐड कर दो, बेचारे कोल कुछ है नहीं। ते हुण आपां डिजिट्स लभ रहे ने कि टू डिजिट नंबर की हैगा, चलो इत्थे सॉल्व करते हैं। सब तो पहला आपां लिखते हैं स्टार्टिंग दे विच, लेट द डिजिट एट वन्स प्लेस, एक वन्स प्लेस ते एक्स ले लो, देयरफॉर डिजिट एट टेंस प्लेस की हो जाऊगा, टेंस दी प्लेस ते 9 माइनस एक्स हो जाऊगा। ए वन्स है ए टेन्स है, इत्थे जे एक्स लिया इनू 9 माइनस एक्स, जे स्टार्टिंग तुसी चाहो तो इनू भी 9 माइनस एक्स ते इनू एक्स ले सकते हो, मैं उल्टा लिता है, कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण इहदे तो नंबर कढ लईए की बनदा है, ये तो डिजिट्स दसे है ना भी इत्थे किहड़ा है इत्थे किहड़ा है, नंबर किवें कढांगे, टेन्स नू टेन्स नाल मल्टी टेन नाल मल्टीप्लाई करो, प्लस वन्स नू वन नाल मल्टीप्लाई किया, 90 माइनस 10x प्लस एक्स ए आ गया 90 माइनस 9x आ गया। जब सॉल्व किया, हुन इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, कहने का मतलब अदला बदली कर दीए, वन्स नू टेन्स की थां ते ते टेन्स नू वन्स की थां ते, ये बेटा एक्स माइनस नाइन नहीं हो सकता, ये हमेशा 9 माइनस एक्स लगेगा, क्योंकि जे थानू उदाहरण दवा इत्थे कहा गया दो नंबर जब ऐड कर दईए तां 5 आंसर आंदा, जे एक आपां मान लईए 2 हैगा तां दूजा किवें कढोगे, 2 माइनस 5 करोगे या 5 माइनस 2 करोगे, उही हिसाब किताब इत्थे लग रहा। ठीक है, हुण आपां जब अदला बदली करती तां इत्थे तुसी लिखोगे न्यू नंबर, ओ की हो जाऊगा 10 ते टेन की थां ते एक्स है 10x हो गया, प्लस 9 माइनस एक्स इदा इदा, क्योंकि वो वन की थां ते, इनू सॉल्व किया 10x विचो एक्स गए 9x प्लस 9। हुण उन्होंने ये कहा सी भी जब नंबर आ जाता है, जब इंटरचेंज कर देंगे हैं, तो जो नवा नंबर है वो वड्डा हैगा छोटे तो ओरिजिनल तो बाय 27, यानी छोटे विच तुसी 27 ऐड करोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वड्डा जिहड़ा है वो वैसे ही वड्डा है, छोटे वाले विच सानू 27 ऐड करना पएगा ना बराबर करन दे लई, है कि नहीं। चलो हुण इहनू सॉल्व कर लैंदे हां, ए आ गया 9x, ए वाला 9 इधर लै जाइए, प्लस 9x इज इक्वल टू 90 दे विच जब तुसी 27 ऐड कर दोगे हो गया 117, ए वाला 9 इधर जाऊगा माइनस का हो जाऊगा, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18x इज इक्वल टू एदे विचो माइनस कीता 9 ए आ गया 108, डिवाइड हो जाऊगा 108 नू, जब तुसी 18 दे नाल डिवाइड करोगे ता 18 6000 हुंदा। हुण देखो इत्थे जिहड़ा हैगा वन्स दी थां ते की आ गया 6, टेन्स दी थां ते 9 माइनस 6 3, नंबर बन जाऊगा 36, इत्थे लिख देंदे आ वन्स डिजिट ओ हैगा जी 6, टेन्स डिजिट 9 माइनस एक्स 9 माइनस 6 3, नंबर की आ गया
36। ये गल याद रखियो। अगे चलिए, सिक्स क्वेश्चन है गया। प्रीत इज 6 ईयर्स ओल्डर देन अब्दुल। प्रीत दी जड़ी उम्र है ओहो 6 ईयर्स ज्यादा हैगी अब्दुल तो। अब्दुल दी आपा एक्स ले लेने, प्रीत दी की होगी x+6। 6 ईयर्स एगो 6 साल पहला, यानी दोनों दी उम्र विच्चों 6 साल घटा दीए क्योंकि अगो दी गल कीती गई है। प्रीत एज वाज 4 टाइम्स अब्दुल्स एज। प्रीत दी उम्र 4 गुना सी, यानी ए जेड़ा 4 गुना है गया। हुन आपा अब्दुल दी एज दे विच करांगे ना 4 गुना, यही करांगे। ए सीगी प्रीत दी, ए सीगा अब्दुल दा। दोनों नु बराबर करन दे लई प्रीत दी जेड़ी उम्र है 4 गुना सी, यानी बराबर करन लई अब्दुल दी उम्र दे विच 4 मल्टीप्लाई करांगे ताही बराबर होऊगा। हुन दी उम्र उन्हां दी काटनी है। चलो सिंपल है, सॉल्व कर देने हैं। सब तो पहला आपा इत्थे लिखांगे लेट अब्दुल्स प्रेजेंट एज, हुंदी उम्र उहदी एक्स, ईयर्स ले लो, लिखना जरूरी है। देयरफॉर प्रीत्स प्रेजेंट एज की है गए, प्रीत इज 6 ईयर्स ओल्डर देन अब्दुल, 6 साल बड़ी है, x+6 हो गया इन्ने साल। हुन एथे कहा गया किन्ने साल पहला, 6 ईयर्स एगो, 6 ईयर्स एगो की कहा गया, प्रीत्स एज वाज 4 टाइम्स अब्दुल्स एज। प्रीति जड़ी उम्र हैगी आ ओहो 4 टाइम्स सीगी किदी उम्र तो, अब्दुल दी। पहला तो 6 साल पहला दी गल हो रही है ता दोनों दी उम्र विचो 6 साल घटा दो। अब्दुल्स एज x-6, प्रीत्स एज x+6-6, ये हो गया कल्ला x। ए आ गई प्रीत दी, ए आ गई अब्दुल दी। ए जड़ी हैगी है कहा गया ये 4 टाइम्स हैगी है इस दे। हुन सॉल्व करन ले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपा ये कहांगे भी इक्वेशन बराबर करन दे ले एनु 4 नाल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी वड्डी हैगी है ना, ते एनू सानू 4 नाल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हुन मैनू पता तुसी सॉल्व कर लोगे, x=4x-24, x-4x=-24, सॉल्व कीता -3x=-24, ए माइनस नाल ए वाला माइनस उड़ जाएगा जे दोनों साइड माइनस है। x=24 नू डिवाइड कीता जब 3 दे नाल ते आंसर आ जाऊगा 8। हुन कहा गया क्वेश्चन दे विच भी हुंदी उम्र दोनों दी लभनी है, ते हुंदी उम्र आपा पहला की लिया सी, अब्दुल दी हुंदी उम्र 8 है ते प्रीत दी हुंदी उम्र कितनी हो जाएगी 8+6 14 ईयर्स। एनू आपा इत्थे लिखना है अब्दुल, पूरा लिखना है प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 8 ईयर साल लिखना है, ते प्रीत्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 8+x 8+6 14 ईयर्स, ए आएगा जी आंसर। अगे चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। आफ्टर 12 ईयर्स, आज तो 12 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स 3 गुना एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर्स एगो। ए क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुंदी उम्र कटनी है भी आज तो 12 साल बाद मेरी जड़ी उम्र हैगी है ओ हो जाएगी जी 3 टाइम्स 3 गुना मेरी जड़ी उम्र सी 4 साल पहला। हुन इनू मैं इदा कर सकती हूँ, आफ्टर 12 ईयर्स आज तो 12 साल बाद ए हो गया x+12 मेरी उम्र ले लो, ते जे मैं गल करा 4 साल पहला दी ओ की हो गया x-4। 12 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, ए जेड़ा है गया मैं 3 टाइम्स होवांगी, ए दे ए जेड़ी है गी, ए वड्डी है गी, ए 3 टाइम्स है गी है इस दे, यानी बराबर करने लई इनू मैनू 3 नाल मल्टीप्लाई करना पैना है जो मेरी उम्र 4 साल पहला सी, ते हुन दी उम्र मैं कट सकती हूँ। इनू इदा लिख दे लेट
माय प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर्स है लो, ठीक है। सिंपल करने ली आफ्टर 12 ईयर्स की हो जाएगी एज आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद एक्स प्लस 12 ईयर्स। ए सॉल्व कर लिया ते 4 ईयर्स एगो माय एज 4 ईयर्स एगो, पहला की सी एक्स माइनस फोर। उन्होंने कहा भी 12 साल बाद मैं 3 गुना हो जाऊंगी जो 4 साल पहला सी। यह 3 गुना हैगा इस दा, यानी बराबर करने ले मैनू एदे विच मल्टीप्लाई करना पैना है 3, ताकि बराबर हो जाए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 गुना हैगी है इस दे। ते बराबर करने दे लई इनू 3 नाल मल्टीप्लाई करांगी ना, तां ही वेट बराबर होएगा, जिवें तकड़ी हुंदी है। ए जे 4 गुना हैगा या 3 गुना हैगा, बराबर करने लई इनू भी तो 3 गुना करना पैना है। सॉल्व कीता जी आ गया 3x-12, इनू एदे नाल फिर इनू एदे नाल मल्टीप्लाई कीता, ये आ गया एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू -12 -12, यही आएगा। 1 - 3 कितना हो गया -2, -12 -12 ऐड हो जाएगा, साइन माइनस आएगा, ए माइनस ए नाल उड़ जाएगा, 24/2 ये आ गया जी 12। ते मेरी प्रेजेंट एज में कितनी ली सी एक्स ईयर्स, एक्स दी वैल्यू आ गई है 12, देयरफॉर मैं हुन किन्ने साल दी हैगी है, माई प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 12 ईयर्स। ए क्वेश्चन जरूर ट्राई करियो, जिन्ना ट्राई करूंगी उन्ने वधिया तरीके नाल थानू एक्सरसाइज समझ आएगी। अगला क्वेश्चन, जिया इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कव्या, कव्या दी एक्स ले लो, जिया किन्नी होगी 2x, ये लो जी काव्या ते ए हैगी है जिया, जिया हैगी है 2x ते काव्या हैगी है एक्स। अगे कहा गया है इफ 6 ईयर्स इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम काव्याज एज, काव्या दी उम्र तो 6 साल घटा दो, एंड 4 ईयर्स इज एडेड टू जियाज एज, एदी उम्र दे विच 4 साल ऐड कर दो, देन जिया विल बी 4 टाइम्स, ए 4 गुना बन जाती है इस दे, ए 4 गुना इस दे, यानी बराबर करने लिए इनू 4 नाल मल्टीप्लाई करना पैना, यही होएगा। हुन दी उम्र कढ़नी है, बिल्कुल सौखा है, चलो लिख दे हां, लेट काव्यास प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, जियास प्रेजेंट एज हुंदी एज किन्नी है 2 टाइम्स हैगी है, 2 गुना हैगी है काव्या दी उम्र ते। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 ईयर्स सबट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम काव्याज एज, यानी एक्स दे विचो 6 घटा दो, 4 ईयर्स एडेड टू जियाज एज, जिया दी उम्र दे विच 4 ऐड कर दो, ता ए जेड़ा है इस दे 4 गुना बन जाता है। इक्वेशन की बनूगी, इनू 4 नाल मल्टीप्लाई करना पैना ता ही बराबर होंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 4 गुना है गए। 4x-24 इज इक्वल टू 2x+4, 4x-2x इज इक्वल टू 4+24। सॉल्व किया 4x दे विचों 2x गए, 2x रह गया, 24 दे विच 4 ऐड किए 28, x इज इक्वल टू 28 नू 2 ना डिवाइड किया 14। हुन एक उम्र आ रही है 14, ए आ रही है 14, जी आदि 2 गुना हैगी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दे नाल, ते आपा लिखांगे काव्याज एज 14 ईयर्स, ते जियाज एज किन्नी हो जाएगी 2x, 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 यानी कि 28 ईयर्स। ये कढ़ना बहुत जरूरी है, जे नहीं कढ़ोगे तो आंसर तो मतलब निकले ही नहीं थोड़ा, ठीक है कि नहीं। ये बहुत जरूरी है बेटा, ये इक्वेशन इस तरीके दे नाल कढ़ना, ये लिखना, वरना नंबर कटते ने। तो ऐसी की अच्छी क्लास में उम्मीद करनी है थोनू एक्सरसाइज समझ आ गई होएगी। जेकर वीडियो वधिया लगी लाइक शेयर कमेंट दे विच आंसर जरूर दे। आपा फिर मिलांगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।